बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के शामिल न होने पर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है। विपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि पटना पहुंचने के बाद भी तेजस्वी यादव सदन में क्यों नहीं पहुंचे। आखिर तेजस्वी सदन से क्यों भाग रहे हैं? बिहार विधानमंडल की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, यानी कि 5 दिवसीय मानसून सत्र का समापन हो गया। 5 दिन चले मानसून सत्र में खूब गहमा गहमी देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं दिखे। आखिर तेजस्वी सदन से क्यों भाग रहे हैं? सत्र के 4th दिन से ही विरोधियों ने तेजस्वी के ना पहुंचने पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया था। आखिरकार गुरुवार को तेजस्वी यादव पटना पहुंचे और जब पत्रकारों ने सदन में ना आने पर सवाल पूछा तो उनका जवाब भी जरा सुनिए। मानसून सत्र चल रहा है, आप विदेश में घूम रहे हैं, अब तो आज जनता के दिल में। सबको उम्मीद थी कि सत्र के आखिरी दिन ही सही तेजस्वी यादव सदन में जरूर पहुंचेंगे, लेकिन पटना में होते हुए भी तेजस्वी विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। अब बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं। पटना आने के बावजूद वो सदन में आना मुनासिब नहीं समझे? क्या ऐसे जनप्रति माफी के लायक है? आखिर तेजस्वी सदन से क्यों भाग रहे हैं? विपक्ष आज मुद्दाविहीन और दिशाविहीन बनकर रह गया। कांग्रेस आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के न आने पर सफाई देते दिख रहे हैं। इस तरह से सरकार के अंदर जूतम पैजार की स्थिति है, खींचातान की स्थिति है। उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अरे भाई, अगर इतनी ही उत्सुकता है तो सदन में नहीं तो डायरेक्ट फोन घुमा के पूछ लीजिए कि कहाँ है नेता प्रतिपक्ष। इसमें हायतवा मचाने की क्या जरूरत है? अब तेजस्वी यादव सदन में क्यों नहीं आए, विधानसभा की कार्यवाही में क्यों नहीं शामिल हुए, ये तो वही बता सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज जरूर है और विरोधी ये बताने में लगे हैं कि तेजस्वी यादव को लोगों से जुड़े अहम मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर आरजेडी हमलावर है। दिल्ली रवाना होने से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने लालू परिवार पर पलटवार किया। परिवारवाद को लेकर दोनों उप मुख्यमंत्री ने लालू परिवार को घेरा और कहा कि आरजेडी का सिद्धांत यही है कि 27 साल से एक ही व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बनकर बैठा है और इनके लिए परिवार ही सब कुछ है। राष्ट्रीय जनता दल में 27 साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं जानता कि कल कौन अध्यक्ष होगा, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, कल प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। एक सदन की नेता उनकी माताजी हैं और दूसरे सदन का नेता उनका भाई है, यही है लोकतंत्र राजद का।